शीट हमने डिजाइन तो कर ली, लेकिन अब इसका पेज सेटअप कैसे होगा। पेज सेटअप से मतलब ये कि ये शीट का है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू का मतलब होता है डिजाइन व्यू, जहां पर आप शीट को डिजाइन करते हैं। दूसरा, अब इसका प्रिंट आउट लेना है, तो प्रिंट आउट लेने के लिए आपको ये टेस्ट करना होगा कि जो पेपर पे अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी तो कैसा नजर आएगा। उसके लिए हम यहाँ पे व्यू चेंज करते हैं और लेते हैं पेज लेआउट व्यू। जैसे ही पेज लेआउट व्यू करेंगे तो आप देखेंगे ये आपकी शीट को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देगा। वो डिवाइड यू कर दिया कि एक शीट जो बहुत बड़ी है उनको जिस पेपर पे हमें प्रिंट करना है उस पेपर के साइज के हिसाब से इसने डिवाइड करके उतने टुकड़ों में बना दिया, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि एक पेज पे कितना काम आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम इसको और यहाँ से पेज लेआउट में चले जाएंगे। यहाँ पर आपने पेपर सेट करना है लेटर, वही हमने सीखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, स्टैंडर्ड साइज है A4 या लेटर, 8.5x 11.5 इंच का पेपर होता है। उसके बाद अगला पेपर है हमारे पास लीगल, 8.5x 14 इंच का पेपर होता है, ठीक है। तो जिस तरह का पेपर आप बाजार से खरीद के अपने प्रिंटर में लगा रहे हैं या लगाने वाले हैं या लगा चुके हैं, उस पेपर को यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। हमारे केस में हमने लेटर पेपर ही ले रखा है, तो उसके हिसाब से देखें। अगर मैं लीगल पेपर लूंगा क्योंकि वो इससे बड़ा होता है, तो ये देखें, ठीक है। तो ये जहन में रखना है, सिर्फ यहाँ पे एडजस्ट नहीं करना, इस पेपर को एडजस्ट करना है उस पेपर से जो प्रिंटर में लगाया हुआ है। बात समझ में आ रही है ना? जैसे आपका दुपट्टे का माप है फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर, तो आपने कपड़ा कितना लेंगे, 2 मीटर लेंगे ना, या अपना माप जो है वो कपड़ा 1.5 मीटर का, तो अपना माप भी 1.5 मीटर कर लेंगे, नहीं ना, 2 मीटर है तो 2 मीटर का ही दुपट्टा लेंगे। सिमिलरली अगर हमने यहाँ से लेटर पेपर सेलेक्ट किया हुआ है तो लेटर लगाना है, या उसको उल्टा कर ले, मैंने बाजार से लेटर पेपर लगा के प्रिंटर में लगाया तो मुझे यहाँ पे लेटर पेपर सेलेक्ट करना है। लेटर और ए फोर बात एक ही है, लेटर और ए फोर एक ही बात है, ए फोर ले लें लेटर ले लें, बात एक ही है। हाँ, लीगल पेपर जो होता है वो इससे बड़ा होता है साइज 3 इंच तकरीबन ना, तो इसलिए ये ख्याल करना। कुछ लोग यहाँ पे सेट करने के लिए इसको बड़ा पेपर कर देते हैं, बोलते हैं सर यहाँ तो सेट आ रहा है, पेपर वहाँ पे छोटा लगाया प्रिंटर में, जब प्रिंट की कमांड दी तो आधा कट गया और आधा आ गया। तो जो वहाँ पे पेपर है वही यहाँ पर आपने सेट करना है। अब लेटर पेपर है तो देखिए ये एक कॉलम इसका बाहर जा रहा है। अब हमें इसको एडजस्ट करने का तरीके है यहाँ पे स्केल। इसको अगर मैं 100% कर दूँ स्केल को, तो यूजुअली हर शीट में ये 100% होता है। यूजुअली हर शीट में ये कितना होता है, मतलब अगर अब मैं प्रिंट करूंगा तो एक पेपर पे इतना प्रिंट होगा और एक पेपर पे इतना प्रिंट होगा। मेरी ख्वाहिश ये है कि दोनों कॉल शीट्स का डेटा एक पेपर पे प्रिंट करूं, तो मेरे पास चॉइस है, एक तो ये मैं इनके कॉलम की एडजस्टमेंट कर लूं, कॉलम की एडजस्टमेंट भी कर चुका। दूसरी च्वाइस है कि मैं इसके मार्जिन को कम से कम कर दूँ, वो भी मैं कम से कम कर चुका हूँ 0.3 और बॉटम का 0.5 और टॉप का 0.5। तीसरा ऑप्शन होता है कि मैं ओरिएंटेशन अगर मेरी पोर्ट्रेट है तो उसको लैंडस्केप कर लूँ, मतलब अगर इस तरह पोर्ट्रेट है तो उसको इस तरह लैंडस्केप कर लूँ, वो भी मैं कर चुका, लेकिन फिर भी ये एडजस्ट नहीं हो रहा। पहली चीज़ करी आपने, पेपर सेट किया, ओरिएंटेशन सेट करी, मार्जिन सेट किया, फिर कॉलम भी सेट कर लिए। कॉलम भी कोई आपका एक्स्ट्रा बड़ा नहीं है, सारे अपने हिसाब से हद में, कोई एक्स्ट्रा बड़ा नहीं है, ये थोड़ा बहुत बड़ा है तो इसको थोड़ा कम कर दे, फिर वो रीडिंग ऊपर नीचे हो जाती है तो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये भी सेट है, ये वाला बल्कि थोड़ा कम ही हो रहा है तो इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये वाला भी कम हो रहा है तो थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये वाला कॉलम थोड़ा सा इसको रैप टेक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉलम भी सारे अपनी जगह सेट है, ड्यूटी वाला थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मीटर रेंट वाला थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो टोटल टैक्स वाला थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, नेट बिल वाला, ऐसे देख रहे, मैं आपको करके बता रहा हूँ कैसे कॉलम्स को एडजस्ट करना। ये भी मैं कर चुका लेकिन फिर भी ये इसके अंदर नहीं आ रहा, एडजस्ट नहीं हो पा रहा। टोटल रीडिंग को भी मैंने थोड़ा कम कर लिया, करंट रीडिंग को भी मैंने कम कर लिया, लास्ट रीडिंग को भी कम कर लिया, फिर भी ये बाहर है, तो फिर मुझे माइक्रो करना होगा। माइक्रो वही है जो फोटो कॉपी वाले को हम एक पेपर देते हैं और छोटा छोटा करके दो पेपर के साथ एक पेपर पर बना देता है। तो किस तरह माइक्रो करेंगे, ये देखिए स्केल को कम करेंगे तो ये देखिए इसको माइक्रो करना शुरू करेंगे, हो गया एडजस्ट। अब एडजस्ट होने के बाद इसमें एक सिचुएशन ये क्रिएट होती है, जैसे ऐसा हो रहा था उसको इसको अगले बार के साथ भी मर्ज कर देते हैं। अब इसमें एक सिचुएशन ये क्रिएट होती है, क्या ये प्रिंट कैसा होगा, मैंने माइक्रो तो कर दिया लेकिन जब मैं प्रिंट लूंगा या लूंगी तो कैसा प्रिंट आएगा। तो हमने इसको कितने परसेंट में माइक्रो किया है, 80%। अब नॉर्मल पे आएंगे और यहाँ से अपने जूम को 80% पे करके देखेंगे। तो अब जब आप पेज पे प्रिंट करेंगे
तो जब वो प्रिंट होके आएगा तो पेज पर इस साइज में प्रिंट होके आएगा, यानी कि आपको इतने डिस्टेंस पे, यूं समझ लें ये आपका पेपर है और प्रिंट हुआ हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आ गई बात? ये इस तरह से हम शीट को एडजस्ट करते हैं, लेकिन इसको हम 80-90 तक करते हैं, 60-50 पे नहीं जाते, वो बहुत ज्यादा माइक्रो हो जाता है, पढ़ने में नहीं आता, ठीक है ना। बहरहाल इसका प्रैक्टिकल वेन एवर जब आपके हाथ में कभी प्रिंटर होगा अपना पर्सनल या कहीं एनवायरमेंट में, तो 3-4 प्रिंट निकाल के देखेंगे, 100 पे कैसे आ रहा है, 90 पे कैसे आ रहा है, 80 पे कैसे आ रहा है, 70 पे कैसे आ रहा है। हमेशा याद रखें, प्रिंट आपने जब निकालना है तो रीडर को जहन में रखना है, जिसको मुझे ये प्रिंट देना है वो इसको कितनी हद तक पढ़ सकता है। मतलब एक बंदा है 50 साल का, तो उसको आप छोटा प्रिंट नहीं देंगे करके, उसको बड़ा प्रिंट करके देंगे, 14 के फॉन्ट में हो, ठीक है, ताकि वो आराम से पढ़ ले। यंग लड़का है पढ़ने वाला, 20-25 साल का है, तो उसको फिर 90-100 पे भी जब आई साइट का मसला ना हो ना उसको, ये मामला।